मुझे लगता है रिकॉर्डिंग हुई नहीं, आज ऑन ही नहीं। सो दिस इज अबाउट अ योगा। ठीक है बेटा, हमने आज क्या क्या किया है, योगा की डेफिनेशन, योगा की हिस्ट्री, योगा के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है, एंड द बेनिफिट्स और द मेरिट्स और द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। डेफिनेशन में क्या आता है, दिगंबर जी ने बोला है, टू यूनियन ऑफ आत्मा विद परमात्मा, दैट इज कॉल्ड अ योगा। यूनियन ऑफ आत्मा विद परमात्मा, दैट इज कॉल्ड अ योगा। ठीक है बेटा, हर एक के अपने अपने व्यूज हैं या अपनी अपनी वो है। मेन चीज है कि योगा के लास्ट स्टेज जो समाधि है उसमें आत्मा जो है वो परमात्मा में विलीन होकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए हो जाती है, जहां पर हम जिसे पंजाबी या हिंदी में आवागमन मीन्स आना और जाना कहते हैं, बर्थ एंड डेथ की पोजीशन से मुक्त हो जाते हैं। दे विल नॉट गेट दीज अगेन एंड अगेन, बर्थ हो रहा है फिर डेथ हो रही है फिर बर्थ हो रहा है, अलग अलग पोजिशन अलग अलग, उसमें वो सारी चीजों से मुक्ति मिल जाती है। दैट इज कॉल्ड अ योगा। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कार्डियोवास्कुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम पे हमारे हेल्पफुल है, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखता है, हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को बहुत अच्छी तरीके से वर्किंग जो है उनकी एफिशिएंसी और वर्किंग बढ़ जाती है। आर्थराइटिस प्रॉब्लम जिनको होती है, जिन्हें हम जोड़ों का दर्द कहते हैं, उससे निजात पा जाते हैं, और ये 92-95% तक चीजों को ठीक करते हैं, 100% नहीं, लेकिन इट इज वेरी मच। अगर हम 90% भी किसी चीज से छुटकारा पा जाते हैं बीमारियों से, इसका मतलब दैट इज स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करता है, हमारी कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, हमारे तरोताजा रखता है, हमारी स्लीप जो है वो वेल होती है, डाइजेस्टिव खाना खाना या उसे पचाने की क्रिया को बहुत अच्छे से रखता है, एंड वो तो डिफरेंट जितने भी ऑर्गन्स हैं उसको है, फिर कंट्रोल ओवर नॉर्मल सेंस ऑर्गन करता है, हमारी इंद्रियों पर कंट्रोल रखने में और हमारी ऑर्गन्स को कंट्रोल रखने में योगा जो है वो बहुत हेल्पफुल है। कार्डियक प्रॉब्लम्स, कार्डियक क्या होता है, हार्ट से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको, क्योंकि जब हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक होगा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक होगा, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक होगा हमारा हार्ट वर्किंग करेक्ट होगी, हमारी हार्ट वर्किंग करेक्ट होगी तो क्या होगा, हमारी नॉर्मली जो हमारे लंग्स हैं वो ठीक वर्किंग करेंगे, पूरी बॉडी जो है एक दूसरे से संबंधित है। और इसमें कल हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग सूर्य नमस्कार, वो क्या चीज है पहले, ठीक है, सूर्य नमस्कार क्या होता है। What is that? नाम से पता चल जाता है, कॉमन हम बोल देते हैं सूरज को नमस्ते करना, दैट इज कॉल्ड अ सूर्य नमस्कार। ठीक है ना, मॉर्निंग के टाइम में जो हम इसमें 12 नियर अबाउट एक्टिविटीज होती हैं जो वार्मिंग अप के लिए, जैसे हम कोई एक्टिविटी करते हैं ना उसके लिए वार्म अप होना हमारा बहुत जरूरी है ना बेटा, हीट अप आवर बॉडी, अ टोन अप आवर मसल्स टू गेट अ प्रॉपर रिजल्ट इन एनी फिजिकल एक्टिविटी। इन द सेम वे योगा में सूर्य नमस्कार का क्या रोल है या वो उससे क्या कहा जाता है, इसके बारे में हम कल करेंगे। इज इट क्लियर बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे, रिकॉर्डिंग हुई नहीं थी आज।